हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमब्रॉ। गाइज, आज है 3 मई। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 अप्रैल को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो लॉन्च की है पाकिस्तान देश के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो विनय वीर ये थे पत्रकार, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो भेजा जाएगा सरयू नदी का पवित्र जल, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये सम्मेलन शुरू हुआ है नई दिल्ली में, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने जीते हैं 29 पदक, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है आलोक शुक्ला को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्णा एलाय, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है स्कॉटलैंड देश के, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द सस्पेंड कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है? तो ये 14 प्रोडक्ट का, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? सेवा लॉन्च की क्रेड ने, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो मिला है अर्जेंटीना देश के वैज्ञानिकों को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? तो ये पुस्तक प्राप्त हुई है M जयशंकर से, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।